नमस्कार, मैं अनुज और आप देख रहे हैं फोर पिलर लाइव। मैं आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार मामले में 5 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना लगा है। ऐसे में आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव से जब बात की तो शक्ति यादव ने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी के सामने जो झुकता है उसे सजा नहीं होती है और जो नहीं झुकता है उसे सजा हो जाती है। क्या कुछ कहते हैं शक्ति यादव, सुनते हैं। 5 साल की सजा न्यायालय ने सुनाई है, ये सूचना प्राप्त हुई है मीडिया के माध्यम से। निश्चित तौर पर ये न्यायिक निर्णय है और न्यायिक निर्णय का हम सम्मान करते हैं। हमारा जो देश का संघ व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस अनुरूप हम लोग इन चीज़ों का सम्मान करते हैं। कई मंच हैं जहां पर लोग जाकर के अपनी फरियाद लगाते हैं। निचली अदालत का निर्णय है और देश जानता है। आदरणीय लालू प्रसाद जी को इस मामले में अलग अलग करके अलग अलग सजाएं मुकर्रर की गई है और पूरी हालात पर देश की भी नज़र है। बहुत सारे इस देश में ऐसे लोग हैं जो हजारों 10,000 करोड़ गमन का आरोप है, लेकिन जो अनुसंधान अन्वेषण एजेंसियां हैं जिनके अधीनस्थ होकर के काम करती है वह सवाल के घेरे में जरूर होती है। न्यायिक निर्णय अन्वेषण के आलोक में होता है, क्योंकि अन्वेषण जो करता होता है वो एजेंसी देश की CBI है और CBI ने जिस रूप से अन्वेषण की है और अन्वेषण के फलाफल माननीय न्यायालय को समर्पित किया है, उस आलोक में न्यायालय का निर्णय है। हम न्यायालय के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं, हमारा सम्मान है। और स्वाभाविक तौर पर ये निचली अदालत का फैसला है तो ऊपरी अदालत खुले हुए हैं और यही परंपरा इस देश के अंदर में है कि न्याय के लिए लोग ऊपर तक पहुँचते हैं। लालू प्रसाद जी के मामले में एक बात स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि देखिए, सबको पता है, न्यायालय भी जानते हैं, इस देश का हर व्यक्ति जानता है, औरत मर्द जानता है कि लालू प्रसाद जी को किस रूप में इस देश की एजेंसियों ने इनके खिलाफ एक पॉलिटिकल बैंडेटा के हिसाब से अन्वेषण किया है। तो अन्वेषण का फलाफल के आलोक में न्यायिक निर्णय हुआ है। इस निर्णय पर हमारा सीधी इतनी ही टिप्पणी है कि हम ऊपर की अदालत में जाएंगे और न्यायालय का निर्णय का हम सम्मान करते हैं और देश इस निर्णयों को बड़े ही गंभीरता से, क्योंकि जब जब इस देश में विभिन्न राज्यों में चुनाव आते हैं तो सक्रियता जिस रूप में बढ़ती है CBI की, उससे हर कोई वाकिफ है।